हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता, आपके बातों का असर किसी पे नहीं होता, आपको अहमियत नहीं देते लोग, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपसे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से ऐसे 6 तरीके बताऊंगा जिसे रियल लाइफ में अप्लाई करके आप लोगों की पसंद बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। पॉइंट नंबर 1, सामने वाले व्यक्ति के रुचि के विषय में बात करें। सामने वाले व्यक्ति के रुचि के हिसाब से बात करने से आपको ये फायदा होगा कि जब भी किसी से बात करेंगे तो आपके दोस्तों का दायरा बढ़ जाएगा। आप अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। उनको जब भी किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें सामने वाले की रुचि होती थी, क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे कि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बात करने से होकर गुजरता। आइए उसे एक उदाहरण से समझते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्स ने यह सबक अपने बचपन में ही सीख लिया था। जब वे अपनी छुट्टियां अपने आंटी के यहां बिता रहे थे तो एक शाम एक अधेड़ व्यक्ति उनके आंटी से मिलने आया और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद विलियम पर ध्यान केंद्रित किया। उस समय विलियम नावों को लेकर बहुत रोमांचित था और आगंतुक ने इस विषय पर इतने बढ़िया तरीके से चर्चा की कि विलियम को बहुत मजा आया। जब वे चले गए तो विलियम ने उस व्यक्ति की बहुत तारीफ की, कितना बढ़िया आदमी था। उनकी आंटी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और उसे नाव में जरा भी रुचि नहीं थी। वो विलियम ने अपनी आंटी से पूछा, फिर भी वो पूरे समय नावों के बारे में चर्चा क्यों करते रहे? तो आंटी ने बताया कि वह एक समझदार और सभ्य आदमी था। वह जानता था कि तुम्हारी दिलचस्पी नावों में थी, इसीलिए उसने इस विषय पर तुमसे बातें की ताकि उसकी बातें तुम्हें रोचक लगे और तुम्हें खुशी मिले। उसने तुम्हारे लिए खुद को रोचक बनाया था, इसलिए तुम्हें वह इतना पसंद आया। दोस्तों, आप भी दूसरे यानी कि सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से बात कर उन्हें रोमांचित कर सकते हैं और उनके चहेते बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरे लोगों में रुचि लें। दूसरे लोगों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। जिन व्यक्ति की दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं होती है उसे जीवन में ज्यादा कठिनाई होती है और वह दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के व्यक्ति सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने यह जानने के लिए सर्वे किया कि टेलीफोन पर होने वाली चर्चा में किस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार किया जाता है। सर्वे से यह पता चला कि मैं शब्द सबसे ज्यादा बार बोला जाता है। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो आपको उसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह हेलो बोले कि सामने वाले को यह लगे कि आप उससे बात करके खुश हो रहे हैं। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं। रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं होता बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होता है जिसमें रुचि ली जा रही है। पॉइंट नंबर 3, मुस्कुराएं। इसमें कुछ खर्च नहीं होता पर इससे मिलता बहुत है। कोई भी इतना अमीर नहीं कि इसके बिना जी सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ ना उठा सके। यह घर में सुख लाती है, बिजनेस में सद्भावना भरती है और दोस्ती को मजबूत करती है। यह थके हुए के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए आशा की किरण है, दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है। पर ध्यान रहे, झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा। हम समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह असली मुस्कुराहट होती है, दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कान जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। इसलिए बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें। दोस्तों का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें और सही मानसिक नजरिया रखें। इच्छा से समस्त वस्तुएं हासिल हो सकती है और सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है। जैसा हम दिल से सोचते रहेंगे हम उसी तरह के बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा मुस्कुराएं और दूसरे के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाएं। पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप नए लोगों से मिलिए तो उनका पूरा नाम जरूर पूछिए। उसके परिवार, बिजनेस और राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी लीजिए। इन तथ्यों और उनके चेहरे को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अगली बार जब भी उस व्यक्ति से मिलें तो उससे हाथ मिलाते वक्त उसके परिवार के बारे में पूछें। ऐसा करने से लोग आपसे प्रभावित होंगे। ज्यादातर लोग नाम इसलिए याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में बिठाने के लिए ना तो समय देते हैं और ना ही मेहनत करते हैं। और वे अपने बचाव में यह बहाना बनाते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, पर वह शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज्यादा व्यस्त नहीं होंगे। रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। लोगों का नाम याद रखना लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराता है। दोस्तों, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं।
पॉइंट नंबर 5, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो लोग खुद के बारे में बात करते हैं वो केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं। वो अशिक्षित होते हैं, वे शिक्षित नहीं होते, चाहे वे कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डालें, अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। उनके बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज्यादा रुचि उन्हें अपने आप में खुद की समस्याओं में है। सुनने की कला कितना महत्वपूर्ण है, आइए इस उदाहरण से जानते हैं। न्यूयॉर्क की मिली एस्पोसिटो ने यह आदत डाली थी कि जब भी उनके बच्चे कुछ कहना चाहते थे तो वह ध्यान से उनकी बात सुनती थी। एक दिन वे शाम को अपने बेटे रॉबर्ट के साथ बैठी हुई थी। रॉबर्ट के मन में घूमर रही बातों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद रॉबर्ट ने कहा, माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिसेज एस्पोसिटो को यह सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें यह किस बात से लगा? रॉबर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि आप मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हैं। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बात सुनने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप सुनने की और दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करने की कला को सीख जाते हैं तो आप लोगों का चहेता बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जॉन ड्यूई ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। विलियम जेम्स ने कहा, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए, और यही लालसा मनुष्यों को जानवर से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। पर अब ये सवाल उठता है कि दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कैसे कराएं? दोस्तों, हर आदमी में कुछ न कुछ खास बात होती है, बस आपको उस चीज का तारीफ कर देना है। ऐसा करने से वो खुश हो जाएगा और आपको पसंद करने लगेगा। इस तरह से हम भी लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव करवा के लोगों को खुशी दे सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के चहेते बन सकें। दोस्तों, ब्रीफली देखते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, सामने वाले व्यक्ति की रुचि में विषय में बात करें। सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से बात करने से आपको यह फायदा होगा कि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपके दोस्ती का दायरा बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरे लोगों में रुचि लें। दूसरे लोगों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, मुस्कुराएं। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, तो हमेशा मुस्कुराइए। पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप नए लोगों से मिलिए तो उसका पूरा नाम जरूर पूछिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पॉइंट नंबर 5, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डालें। पॉइंट नंबर 6, सामने वाले को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जॉन ड्यूई ने कहा कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।